मजबूत घर बनाने के लिए कौन सा फाउंडेशन है दमदार? क्या स्लोप फाउंडेशन बना देगा घर को फौलाद, या सिंपल फाउंडेशन से चल जाएगा काम? नया घर बनाने से पहले फाउंडेशन का चुनाव कर लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, घर बनाते समय ज़्यादातर टू टाइप के फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। पहला, ये बिल्कुल सिंपल फाउंडेशन है, इसमें ऊपर का एरिया बिल्कुल प्लेन होता है और बीच में कॉलम निकला रहता है। नेक्स्ट फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम स्लोप फाउंडेशन बोलते हैं, और इस फाउंडेशन में फाउंडेशन के साइड का जो एरिया होता है उसको स्लोप कर दिया जाता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा ढाल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फाउंडेशन में आपको साइड साइड का एरिया ढाल नुमा दिख रहा होगा, तो इसको हम स्लोप फाउंडेशन बोलते हैं। इसके चारों तरफ ढाल होता है और इसके साथ साथ बीच में कॉलम निकला रहता है। तो स्लोप फाउंडेशन और सिंपल फाउंडेशन, इन दोनों फाउंडेशनों में कौन सा बेस्ट है, घर बनाते समय आपको किस फाउंडेशन का उपयोग करना चाहिए जिससे आपके घर का फाउंडेशन मजबूत से मजबूत बने, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सिंपल फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फाउंडेशन बनाने के लिए पीसीसी वर्क होता है, और पीसीसी वर्क होने के बाद फाउंडेशन की शटरिंग की जाती है। शटरिंग करने के बाद फाउंडेशन का स्टील जाल बांधा जाता है, और स्टील जाल बांधने के बाद कॉलम को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है। कॉलम को सेट करने के बाद कंक्रीट बनाई जाती है, और कंक्रीट बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फाउंडेशन में कंक्रीट को ढाल दिया जाता है। कंक्रीट ढालते समय फाउंडेशन की जो मोटाई होती है उसके बराबर कंक्रीट को ढालने के बाद बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं वाइब्रेटर वगैरह लगाकर बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है, और बाद में कुछ इस तरीके से प्लेन फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाता है। तो यदि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि सिंपल फाउंडेशन किस तरीके से बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को छोड़कर प्लीज़ मत जाइएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि फाउंडेशन की मोटाई आपको कितनी रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ फाउंडेशन की ढलाई करते समय कंक्रीट रेशियो क्या होना चाहिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उसको आपको क्या रखना चाहिए। बट उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि स्लोप फाउंडेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से बनाते हैं, और मजबूत फाउंडेशन के लिए सिंपल या फिर स्लोप कौन सा फाउंडेशन हमें बनाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम स्लोप फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिंपली जिस तरीके से सिंपल फाउंडेशन हमने आपको दिखाया उसी तरीके से स्लोप फाउंडेशन भी बनाया जाता है। बट इसमें थोड़ा सा चेंज यही होता है कि कंक्रीट को ढालते समय जब कंक्रीट बहुत ही अच्छे से एक लेयर में पड़ जाती है, उसके बाद फाउंडेशन को चार भाग में तोड़कर चारों सिरों को थोड़ा थोड़ा स्लोप में कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि हम स्लोप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से करनी से एक मिस्त्री बहुत ही अच्छे से स्लोप कर देता है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्लोप फाउंडेशन और सिंपल फाउंडेशन को किस तरीके से बनाते हैं, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि हमें सिंपल फाउंडेशन और स्लोप फाउंडेशन, इन दोनों में से कौन सा बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का सारा लोड कॉलम पर आता है, और कॉलम वह लोड फाउंडेशन पर ट्रांसफर कर देता है। तो फाउंडेशन और कॉलम के जॉइंट पर, यानी कि जहां पर फाउंडेशन और कॉलम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो स्लोप फाउंडेशन में फाउंडेशन और कॉलम के जॉइंट पर कंक्रीट की मोटाई बढ़ जाती है, इससे स्लोप फाउंडेशन सिंपल फाउंडेशन की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और इसके साथ साथ फाउंडेशन स्लोप होने की वजह से फाउंडेशन पर जो लोड आता है वो सिंपल फाउंडेशन की अपेक्षा स्लोप फाउंडेशन पर बहुत ही अच्छे से ट्रांसफर होता है। इससे सिंपल फाउंडेशन की अपेक्षा स्लोप फाउंडेशन की जो ताकत होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो यदि आप नया घर बना रहे हैं तो नया घर बनाते समय आपको सिंपल फाउंडेशन की जगह स्लोप फाउंडेशन का उपयोग करना चाहिए, इससे आपका फाउंडेशन सिंपल फाउंडेशन की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होगा। तो यदि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। चलिए देखते हैं कि हमें फाउंडेशन बनाते समय कितने रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हो तो आपको फाउंडेशन बनाते समय 1:1:2 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1:1:2 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1 बैग आपका सैंड हो गया, और 2 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। नेक्स्ट, यदि हम फाउंडेशन की मोटाई की बात करें तो फाउंडेशन की जो मोटाई होती है आपको मिनिमम 6 इंच से कम नहीं रखनी है। बट यदि आप 2024 में घर बना रहे हैं तो आप फाउंडेशन की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 7 इंच से लेकर 9 इंच के बीच रखिएगा। और यदि हम अपने साइट की बात करें तो हमारे साइट पर नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए फाउंडेशन की जो मोटाई होती है वो 8 इंच रखी जाती है।
तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने स्टेट का नाम लिखिए और ये बताइए कि आपके एरिए में पूरा घर बनाने का क्या रेट चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।